दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं SSDs हार्ड ड्राइव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल होती हैं और उनका लाइफ भी ज़्यादा होता है। SSDs में कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट ना होने की वजह से वो सभी के सभी डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। तो क्या इसका मतलब SSD सालों साल चल सकता है? क्या एक SSD 50 साल तक चल सकता है? जी नहीं दोस्तों, SSDs का भी एक लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है, उसका भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है जो मैन्युफैक्चरर 3 अलग अलग पैरामीटर्स के जरिए डिफाइन करता है, PE साइकिल, TBW एंड MTBF। यही 3 पैरामीटर्स SSD की लाइफ को दर्शाता है। और दोस्तों SSDs भी हार्ड ड्राइव्स की तरह ही खराब होने से पहले कुछ साइंस शो करती हैं जिनके बारे में ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं SSD और उसके लाइफ साइकिल से जुड़ी उस सभी बातों को डिस्कस करूंगा जो एज ए SSD ओनर आपको जाननी चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर बाई चांस SSD का डेटा करप्ट कर जाती है और उड़ जाता है तो क्या उस डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि SSD सालों साल नहीं चल सकता, उसका भी एक लिमिटेड लाइफ साइकिल है। आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ कोई सा भी SSD परचेस कर लो, उसका लाइफ कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। SSDs के अंदर NAND चिप्स के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, ट्रांजिस्टर्स है, MOSFETs है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के कंट्रोलर्स हैं। और जैसे जैसे SSD यूज़ होता जाएगा, इन कंपोनेंट्स का भी लाइफ धीरे धीरे कम होता जाएगा, इन कंपोनेंट्स का भी वेयर एंड टियर होता रहेगा और एक समय बाद ये कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे जिससे SSD भी खराब हो जाएगा और कुछ केसेस में डेटा लॉस भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप SSD में कॉन्स्टेंटली डेटा राइट करते जाओगे, एक बार डिलीट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो एक समय के बाद जो NAND चिप है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट्स की लाइफ एंड NAND चिप की लाइफ को मिला के मैन्युफैक्चरर कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, जिसमें से सबसे पहला एंड वेल नोन पैरामीटर है TBW, यानी कि टेराबाइट रिटर्न। आप एक SSD की NAND चिप में कितने टेराबाइट की डेटा टोटल राइट कर सकते हो, टेराबाइट रिटर्न उसी को डिफाइन करता है। ऐसा नहीं है कि जब ही उतना अमाउंट ऑफ डेटा आपने राइट कर दिया SSD खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद SSD की जो NAND चिप है उसके अंदर जो मेमोरी सेल्स है वो धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू करेगा, जिससे सडनली डेटा लॉस हो सकती है, SSD में कुछ डेटा अचानक करप्ट कर सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। TBW के अलावा और दो पैरामीटर्स हैं, PE साइकिल्स एंड MTBF। PE साइकिल्स यानी कि प्रोग्राम इरेज साइकिल। अब ये क्या है? देखिए, एक मेमोरी सेल में, मतलब कि एक NAND चिप में बहुत सारे मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स हैं। अब एक मेमोरी सेल में एक बार डेटा राइट किया गया, उसके बाद उसको इरेज किया गया और फिर से राइट किया गया, इससे एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब ऐसा एक मेमोरी सेल के ऊपर कितना बार किया जाना पॉसिबल है, यही PE साइकिल्स डिफाइन करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द SSD, उसमें मौजूद NAND टेक्नोलॉजी, PE साइकिल्स 500 से लेके 1,00,000 तक हो सकती हैं। जैसे कि SLC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मेमोरी सेल्स वाले जो SSDs आती हैं, उनकी PE साइकिल्स अराउंड 1,00,000 की होती हैं, और QLC पे बेस्ड जो SSDs आती हैं ये होती है अराउंड 500 to 1,000। तो इन सभी बातों को लेके डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात किया है। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला पैरामीटर है MTBF, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। यानी कि एक SSD को अगर अपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट रखा है, उसमें आपने कुछ राइट नहीं किया, सिर्फ रीड कर रहे हो और उसमें अल्टीमेटली पावर है, तो SSD टोटल कितने घंटे तक चल सकता है, यानी कि कितने टाइम तक वो टोटल चल सकता है, MTBF यही डिफाइन करता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर SSD के लिए आप टोटल आवर्स देख सकते हो, अराउंड 1,000,000 आवर्स, राइट। इसके बाद, इस टाइम पीरियड के बाद कोई गारंटी नहीं है कि SSD कब खराब हो जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि SSD की लाइफ ख़त्म होने वाली है। बहुत ही आसान है, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका SSD बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाली है। सबसे पहले हम टूल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो इसमें क्रिस्टल डिस्क मार्क तो है ही, इसके ज़रिए आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर मैं macOS की बात करूँ तो उसमें है स्मार्ट रिपोर्टर लाइट। अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो इसमें है स्मार्ट मोन टूल्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस की जिससे आपको पता चलेगा कि SSD आपका ख़राब होने वाली है।
इसमें से सबसे पहला आता है रीड ओनली एरर, यानी कि आपके एसएसडी से आप डेटा को रीड तो कर सकते हो पर उसमें कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे, और ये चीज़ अचानक से होगा, आप कुछ नहीं करोगे, अचानक से आपका एसएसडी जो है वो चला जाएगा रीड ओनली मोड पे। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप ये समझ जाओ कि आपके एसएसडी में कुछ दिक्कत है और बहुत ही जल्दी खराब होने वाली है। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि डेटा राइट करते समय अचानक से एसएसडी फ्रीज हो जाती है, जो राइट प्रोसेस था वो फ्रीज हो जाती है और रैंडमली कोई सा भी एरर आ जाता है। तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है तब भी आप समझ जाओ कि एसएसडी में कुछ दिक्कत है, वो बहुत ही जल्दी खराब होने वाली है। इस समय बेहतर है कि डेटा की बैकअप बना लिया जाए। और अगर आपका SSD बूट ड्राइव है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो तो रैंडमली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रिपेयर मोड में जा रही है तब भी आप समझ सकते हो कि SSD में कुछ दिक्कत हो सकती है। और अगर अननेसेसरी ये हो रहा है और ये बार बार हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चाहे फॉर्मेट करके निकाल दो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करो तब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि SSD में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और अगर विंडोज सडनली फ्रीज हो जाती है तब भी दिक्कत SSD में हो सकती है, और स्पेशली अगर ये बार बार हो रहा है तो ये तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको पता चल जाएगा कि SSD खराब होने वाली हैं। तो क्या SSD सडनली खराब नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, ये भी पॉसिबल है। SSD सडनली वर्क करना बंद कर सकता है, उसमें रीड राइट करना पॉसिबल नहीं होगा, ये इतना तक कि वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे केसेस में SSD के अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं वो खराब हो जाती हैं, और बहुत सारे केसेस में पावर सर्ज की वजह से SSD खराब हो जाती हैं, या फिर पावर सर्ज की वजह से जो डेटा है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। अब पावर सर्ज कैसे आती है? अगर अचानक बिजली चमके और आपने कोई सर्ज प्रोटेक्टर या फिर UPS वगैरह यूज़ नहीं कर रखा है, या फिर पावर सप्लाई भी बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, तो इसी तरह के कंडीशन में पावर सर्ज आ सकती है आपके सिस्टम के अंदर, इस वजह से सिस्टम खराब हो सकती है। मैं बाकी के कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर SSD जो है वो खराब हो सकती है, उसमें से सारे के सारे डेटा लॉस हो सकती है, या फिर पूरा का पूरा SSD कम्प्लीटली डैमेज हो सकती है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ बिजली चमकने से ही पावर सर्ज आती है ऐसा नहीं, घर के हेवी लोड्स ऑन ऑफ होने से भी पावर सर्ज आ सकती है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन पे, क्या SSD का डेटा रिकवर हो सकता है? जी हाँ, हो तो सकता है, पर कुछ कंडीशंस है उसका। अगर SSD की जो NAND चिप है वही अचानक खराब हो जाए, या फिर उसके अंदर की कुछ मेमोरी सेल्स खराब हो जाए, तो जो डेटा आप रिकवर करोगे उसमें से कुछ डेटा करप्टेड रहेगा या फिर कुछ डेटा रिकवर नहीं होगा। अगर सिंपली SSD से डेटा डिलीट हो गई है तब भी डेटा रिकवर कर पाना SSD से एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि SSD में दो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि है ट्रिम एक, दूसरा है वेल लेबलिंग। अब इन दो टेक्नोलॉजीज की वजह से SSD से डेटा रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ट्रिम एंड वेल लेबलिंग कैसे काम करता है, ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। पर अब ये मान के चलो कि SSD से अगर डेटा डिलीट होती है, नॉर्मली अगर डिलीट होती है, तब उसको कुछ हद तक रिकवर कर पाना पॉसिबल होगा। पर अगर NAND चिप डैमेज हो गई है किसी वजह से, पावर सर्ज की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो आप डेटा को ऑलमोस्ट रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंडीशंस है जिसमें डेटा रिकवरी पॉसिबल है, बहुत ही आसानी से पॉसिबल है, और ऑलमोस्ट आपका पूरा डेटा मिल जाएगा। ये तभी होगा अगर SSD की जो NAND चिप है उसको छोड़ के बाकी के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम हुई है और उसको आप ठीक करवा लेते हो। उन इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप ठीक करवा लेते हो तो डेटा आपको पूरा मिल जाएगा। पर अगर NAND चिप में कोई दिक्कत आ जाती है बाई चांस, तो रिकवर कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, मतलब पूरा डेटा रिकवर कर पाना, कुछ भी लॉस ना करके पूरा डेटा रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऑल्दो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बाई चांस आप ऐसा मान लो कि जो जगह खराब हुई है NAND चिप की, NAND चिप में जो मेमोरी सेल्स है उसमें कुछ ऐसी जगह खराब हुई है जिसमें कोई डेटा था ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो हाँ, SSD से डेटा रिकवरी पॉसिबल तो है, पर कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपका लक अच्छा रहे तो आपको डेटा SSD से भी वापस मिल सकती है। पर अगर आपका लक बेकार रहे तो सिंपली अगर डेटा डिलीट हो जाए तब भी आपको डेटा वापस नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा? वेल लेबलिंग एंड ट्रिम टेक्नोलॉजी की वजह से। तो क्या ये दो टेक्नोलॉजीज बेकार है? जी नहीं दोस्तों, इन दो टेक्नोलॉजीज की वजह से SSD सालों साल चल सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर डेटा रिकवरी के मामले में ये दो टेक्नोलॉजीज की वजह से, ट्रिम एंड वेल लेबलिंग की वजह से दिक्कत आती है। अब वो क्यों आता है वो आपको अगले वीडियो से पता चलेगा,
जब मैं इन दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करूंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको SSD की डेटा रिकवरी और उसके लाइफ साइकिल से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर से टैप कर दीजिएगा। इसी को जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।